हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। कोई भी फिक्स्ड पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो आपको कैसे रोटेशन करना है। अभी तक हम जो रोटेशन कर रहे थे वो अबाउट ओरिजिन कर रहे थे, तो ओरिजिन को मान के चल रहे थे कि ओरिजिन जो होता है 0 0 वो फिक्स होता है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसको आपको फिक्स रख के रोटेशन करना है तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए ये मैंने रोटेशन आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसको ऐसे ही रोटेट करना है। तो मान लीजिए ये यहाँ आ गया। अब आपको बोला गया कि इसका ये पॉइंट फिक्स रख के और फिर आपको रोटेट करना है, तो क्या होगा, ये ऐसा रोटेट होगा, ये होगा यहाँ, ये ट्राइंगल था पहले, अब इसको फिक्स रख के करना है तो ये कैसा आएगा, ऐसा इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट में आपको सबसे पहले दिया होना चाहिए वो पॉइंट जिसको आपको फिक्स रखना है। उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्सएफ एंड वाईएफ, है ना। फिक्स पॉइंट है इसलिए एक्सएफ वाईएफ से रिप्रेजेंट किया गया है। आप चाहें तो किसी और वैल्यू से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिक्स पॉइंट रोटेशन में मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगी कि कैसे मैट्रिक्स निकाला जाता है। अगर आप उसको याद कर लें और डायरेक्टली अप्लाई कर दें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं उसको याद रख पाते हैं तो आप उसको ड्राइव करना सीख लें कि कैसे उसको ड्राइव किया जाता है। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट के लिए हमको, जब मैं एक डायग्राम से समझा देती हूँ कि हमें कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे इसमें, और फिर उसकी एक मैं लिस्ट बना दूंगी और फिर अपन एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे। ये पॉइंट है 0 0, ये आपका फिक्स पॉइंट दिया हुआ है एक्सएफ वाईएफ। अभी हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको फिक्स पॉइंट दिया हुआ है इसको आप ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ट्रांसलेट करेंगे पहले इसको यहाँ पर पहुंचाएंगे। ठीक है, फिर आपको रोटेशन दिया हुआ है, जिस भी एंगल से आप उसको रोटेट कर लीजिए। ठीक है, देन आपको लास्ट में फिर क्या करना है, रोटेट करने के बाद आपको फिर से इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे बैक ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये आपको इतने काम करना है। तो सबसे पहला काम है आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट विथ, देखिए ओरिजिन पे पहुंचा रहे हैं तो माइनस एक्सएफ माइनस वाईएफ अमाउंट से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा काम आपको करना है रोटेट, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, रोटेट विथ थीटा, आर थीटा अप्लाई करना है जैसा भी आपको दिया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड आपको क्या करना है, फिर से बैक ट्रांसलेट, ये जो आपका पॉइंट दिया था ये यहां आ गया था, इसको दोबारा से वहां पे अपनी पोजीशन पे पहुंचाना है, तभी तो ये फिक्स रहेगा। एक्सएफ वाईएफ अमाउंट से हम जब करेंगे, वाईएफ अमाउंट से जब हम इसको बैक ट्रांसलेट करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। दैट मींस जो आपका ट्रांसलेशन है इट विल इन्वॉल्व, जो आपका कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये वाला, इट विल इन्वॉल्व ट्रांसलेशन विद अमाउंट माइनस, सॉरी उल्टा लिखते हैं ना, मैंने बताया था कंपोजिट में हम उल्टा चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, एक्सएफ वाईएफ से जाएंगे, फिर ये करेंगे, रोटेट करेंगे, फिर ये करेंगे इनवर्स जो पहले ट्रांसलेट किया था, माइनस एक्सएफ माइनस वाईएफ। सभी के हमको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पता है, निकाल लेंगे, रख देंगे वो 1 0 एक्सएफ 0 1 वाईएफ 0 0 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1, इसको भी कर लेंगे 1 0 माइनस एक्स एफ 0 1 माइनस वाई एफ 0 0 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1, यहां से मल्टीप्लाई करके यही आएगा 1, और सॉरी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर एक्सएफ आएगा वाईएफ आएगा 1 क्योंकि लास्ट में बन गया, इसको पूरा इधर तक करते हैं, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर लास्ट वाली लाइन को जो हम करते हैं तो इसमें इसको
लास्ट वाली रो में जब हम इस रो का लास्ट वाले कॉलम में करते हैं तो एक्स एफ आएगा यहाँ या वाई एफ यहाँ आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का है ये, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को आता ही होगा। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो कॉस थीटा ही आएगा आपका, यहाँ पे माइनस साइन थीटा ही आएगा। अब देखिए इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स एफ कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस वाई एफ साइन थीटा प्लस एक्स एफ। इसको मैं मिटा के ऊपर कर देती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बन नहीं रहा है वहां पर। ये जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन जो कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दो तो समझ में आ गए, जब हम इसका इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करते हैं तो क्या आता है, माइनस एक्स एफ कॉस थीटा प्लस वाई एफ साइन थीटा देन प्लस एक्स एफ हो जाएगा। फिर से इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो साइन थीटा देन कॉस थीटा देन इसको जब हम यहां कर देंगे तो माइनस एक्स एफ साइन थीटा माइनस वाई एफ कॉस थीटा और प्लस वाई एफ हो जाएगा ये, देन जीरो जीरो वन। क्लियर है? इसको सबको मिटा देती हूँ मैं। इसको थोड़ा सा मैनेज्ड फॉर्म में लिख देते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स एफ कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स एफ कॉमन लिया वन माइनस, इसको पहले ले लिया इसको बाद में, कॉस थीटा बस अरेंज कर रही हूँ और कुछ नहीं है, ये इक्वेशन रहेगी, चेंज कुछ नहीं आने वाला है। साइन थीटा यहाँ, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर भी यही काम किया, कॉस एक्स एफ वाले को तो आगे ही रहने दिया, बाकी यहाँ से वाई एफ कॉमन ले लिया, माइनस वाई एफ कॉमन ले लिया तो बचा कॉस थीटा माइनस वन, है ना? और आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं जीरो जीरो वन। तो या तो आप इसको डायरेक्टली याद रख लीजिए और अपनी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दीजिए। आपको करना क्या है, बस अब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है पी डैश इज इक्वल टू टी इंटू पी, इसको आपके ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली ऐसा कर लीजिए या फिर आप उसको फिर पूरा ड्राइव करके निकालिए। तो ये होता है फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिक्स्ड पॉइंट स्केलिंग।